अत्याचार के कारण हो, सबकी बिरादरी के कारण भी यहाँ आए हो, क्योंकि अत्याचार जब किसी भी हो हमें सरकार के लिए आवाज़ उठानी होगी और संत रामपाठी महाराज के सिर से ये आवाज़ हमेशा उठाते रहते हैं। अनेकता में एकता का प्रतीक मैंने पढ़ा था, लेकिन मैंने देखा आज है, जो कि सिर्फ संत रामपाल जी महाराज के कारण ही हो सकता है। संत रामपाल जी महाराज सिर्फ दो ही मांगों को लेकर चल रहे हैं, एक तो देश में भ्रष्टाचार खत्म हो और हर व्यक्ति शास्त्र अनुसार भक्ति करे, बस उनकी दो ही मांगे हैं। हम 3 साल से CBI जांच की मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकार CBI जांच नहीं करवा रही। इससे ये फैसला होता है कि वो CBI जांच इसलिए नहीं करवा रही क्योंकि वो CBI जांच वो गलत है, इसलिए वो अपनी CBI जांच नहीं करवा रही। और हम सब भक्तों ने और आम जनता ने ये फैसला लिया है कि संत रामपाल जी महाराज के सारे झूठे केस वापिस लिए जाए और उनके बाइज्जत बरी किया जाए। अब हमारी आवाज सिर्फ यही है कि संत रामपाल जी महाराज को बाइज्जत बरी किया जाए। आप कम से कम उनकी उम्र तो देख लो, वो 65 वर्ष के हैं और आप उनको हमेशा कोर्ट में जा रहे हैं और उन पर कोई भी आरोप सिद्ध नहीं हो रहे। सारे आरोपों को सिद्ध होने के कारण भी आप क्या उनके 3 साल वापिस कर पाओगे? हमारी सरकार से यही मांग है कि संत रामपाल जी महाराज को बाइज्जत बरी किया जाए और हमारे ये नारे चलते रहेंगे। और मैं आम जनता को ये कहना चाहती हूँ कि आम जनता हमारे साथ रहे, क्योंकि जब तक आम जनता साथ नहीं रहेगी ना तो हमारा देश कभी आजाद हुआ था और ना ही आज इस भ्रष्टाचार को हम खत्म कर सकेंगे। इसलिए आम जनता से मैं अपील करना चाहती हूँ और मैं अपने मीडिया भाइयों से भी अपील करना चाहती हूँ। जब हमारा देश गुलाम था तो मीडिया स्वतंत्र थी, इसलिए मीडिया ने अच्छी रिपोर्ट दी और जनता तक पहुँचाई, लेकिन आज देश स्वतंत्र है और मीडिया गुलाम। मैं अपने मीडिया भाई से कहना चाहती हूँ, सिर्फ मोदी जी से 1% का उत्तर चाहिए कि आप संत रामपाल जी महाराज की CBI जांच क्यों नहीं करवा रहे। सिर्फ एक उत्तर मैं मीडिया भाइयों से चाहती हूँ, वो हमें लाके दे दे। सत्ता है बंदी छोड़ दे।